रीवा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 4 लाख आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर द्वारा सभी पात्र बहनों का लाडली बहना योजना में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा है कि 30 अप्रैल को पोर्टल बंद हो गया, इसलिए नगरीय निकायों के वार्ड और ग्राम पंचायत क्षेत्र की पात्र बहनों का अनिवार्य रूप से योजना में आवेदन भरवाया गया था। वार्ड प्रभारी व पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पटवारी 30 अप्रैल को संबंधित अधिकारी के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि अब संबंधित क्षेत्र में कोई भी पात्र बहन योजना में पंजीयन के लिए शेष नहीं है। इसके अलावा आवेदन पंजीकृत होने के उपरांत डीबीटी एनेबल और आधार लिंक के लंबित होने पर सीडीपीओ को बैंक अथवा कियोस्क के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी सीईओ, सीएमओ और एसडीएम को 30 अप्रैल तक प्राप्त सभी आवेदनों की ग्राम स्तरीय समिति द्वारा जांच की कार्रवाई पूर्ण करने व 1 मई को अनंतिम सूची के प्रकाशन के बाद सभी एसडीएम को दावा आपत्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा। चूंकि अपने यहाँ प्रदेश भर में लगभग तीसरे स्थान पर रीवा जिला है और इसमें 4 लाख से अधिक लाडली बहनों का पंजीयन किया गया है। अपने यहाँ सभी जनपद पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में इसमें पूरी टीम ने बेहतर काम किया है और लगातार जो इसमें पात्र हितग्राही थी उनका पंजीयन किया गया है, उनके पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन के बाद जो लिस्ट है, दावे आपत्ति की सूची प्रकाशित की गई है 1 तारीख से नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए। तो जो पात्रताएं थी उनके आधार पर सभी के पंजीयन हुए हैं। जैसे ही दावे आपत्ति का समय समाप्त होगा ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगी। लगभग 4 लाख से ज्यादा आवेदन रीवा जिले में भरे गए हैं।